आओ बैठो मेरे पास। तुमने अब तक दुनिया में बहुत सफर किया है, अहलत से हलब तक, हलब से अर्जे रूम तक तुमने इस्लाम का परचम सरबुलंद किया है। मुझे तुम पर फख्र है। काई कबीले की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू रखे। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चला हूं बाबा। आपकी नसीहत मशाले राह है मेरे लिए। जो रास्ता काई के और औस के नसीब में आया है वही तुम्हारी राहें रोशन करेगा बरखुदार। उसी रोशनी के पीछे चलना है तुम्हें। वही रोशनी तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को नई उम्मीद और इस्लामी सल्तनत के क्याम में मदद देगी और तुम्हारे लश्कर में दुनिया के अजीम लोग शामिल हो जाएंगे और एक अजीम शान रियासत वजूद में आएगी। जो इस दुनिया के तूलो अर्स में फैली होगी और पूरे जहान में तुम्हारी नस्ल जुनूब से लेकर शुमाल तक और मगरिब से लेकर मशरिक तक अपनी हुकूमत बनाएगी। तुम्हारा बेटा उस्मान तुम्हारी तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। वो उसकी नस्लों को इस खत्ते में आबाद करेगा। इसकी सल्तनत बहुत फले फूलेगी और पूरी दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी और जिहाद का परचम बुलंद करेगी। एक बेटा अपने बाप का आईना होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अल्लाह इसकी और तुम्हारी हमेशा नुसरत फरमाए। बाबा बाबा